मूवी के शुरू होते ही हमें एक स्टेज पर मैजिक होता हुआ दिखाया जाता है जो कि एक मैजिशियन कह रहा होता है। उसका नाम होता है आइजनहाइम। वहाँ बैठे लोगों को फील होता है जैसे वहाँ पर स्मोक से कोई सोल बनी है, तो वो लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ चीफ आते हैं जो कि मैजिशियन को अरेस्ट कर लेते हैं इस इल्जाम में कि इसने एम्पायर को धोखा दिया है, उसे गिराने की कोशिश की है। वहाँ के लोग मैजिशियन को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चीफ उसे अपने साथ ले जाता है। अब सीन बदलता है और हम एक क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास एक इंस्पेक्टर आता है और उसे आइजनहाइम मैजिशियन के बारे में बताने लगता है, उसके बचपन के बारे में कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। एक दिन उसे एक मैजिशियन दिखा जिसने उसे अपना मैजिक दिखाया लेकिन फिर वो गायब हो गया। आइजनहाइम में भी मैजिक सीखने का शौक पैदा हो गया तो वो भी खुद से मैजिक ट्रिक्स करने लगा। एक दिन उसने वहाँ की प्रिंसेस को देखा और उसे भी अपना मैजिक दिखाया। प्रिंसेस जिसका नाम सोफी होता है उसको मैजिक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को पसंद करने लगे। आइजनहाइम ने उसे एक लॉकेट भी बना कर दिया और वो सीक्रेटली मिलने लग गए। लेकिन ये बात वहाँ के लोगों के लिए अजीब थी कि गरीब लड़का एक प्रिंसेस के साथ रहे, इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। कैसल के गार्ड्स ने आइजनहाइम को ब्लैकमेल किया कि अगर दोबारा वो प्रिंसेस के करीब भी आया तो उसे मार देंगे। आइजनहाइम एक समझदार लड़का था, उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी तो वो वहाँ से दूर मैजिक सीखने चला गया। दूसरे मुल्क जाकर उसने कई साल मैजिक सीखा और एक दिन शानदार मैजिशियन बनकर लौटा। वो 15 साल के बाद वापस आया था जहाँ फिर से वो अपना बहुत ही आला मैजिक शो करता है जिससे सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। वहीं ये इंस्पेक्टर भी होता है जो कि प्रिंस को ये स्टोरी बता रहा है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम आइजनहाइम को मैजिक शो का स्टार्ट लेते हुए देखते हैं। वो स्टेज पर किसी ऐसे को बुलाता है जिसे मरने से कोई खौफ ना हो, यानी जो मरने से डरता ना हो, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं होती। लेकिन अचानक वहाँ पर क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। सब लोग खुश होते हैं कि वाह, इसने जान पर रिस्क लिया, कितना ब्रेव है हमारा प्रिंस। लेकिन प्रिंस तो प्रिंसेस सोफी को स्टेज पर भेजने के लिए खड़ा हुआ था उसे इशारा करने के लिए। अब सोफी को सबके सामने जब वो कह देता है तो उसको स्टेज पर जाना पड़ता है। आइजनहाइम तो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये वही सोफी है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था और बाद में उसे पसंद करने लगा था, जबकि प्रिंसेस को वो याद नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आइजनहाइम अपने पास्ट के ट्रिक करता है तो सोफी को क्लिक होता है कि शायद ये वही है। प्रिंस आइजनहाइम से और शो करने का कहता है, लेकिन जब प्रिंस और सोफी वहाँ से जा रहे होते हैं तो आइजनहाइम कोई बात करता है जिससे प्रिंसेस को पूरा पूरा याद आ जाता है कि ये तो वही आइजनहाइम है। लेकिन उसे प्रिंस के साथ तब वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद आइजनहाइम और प्रिंसेस छुपकर मिलते हैं तो आइजनहाइम उसे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है कि हाँ मैं जान चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस बनने वाली हूँ लेकिन मुझे क्राउन प्रिंस बिल्कुल नहीं पसंद। ये लोग कई ज्यादा बातें करते हैं लेकिन इन पर कोई स्पाई कर रहा होता है और इनके मिलने की खबर इंस्पेक्टर को भी हो जाती है जो इसके बाद आइजनहाइम को बातों बातों में प्रिंसेस से दूर रहने का कहता है। वो दिन भी आ जाता है जब आइजनहाइम ने दूसरा शो करना होता है। यहाँ आइजनहाइम प्रिंस के फादर की पेंटिंग कुछ ही सेकंड्स में बना लेता है। प्रिंस एक और ट्रिक की डिमांड करता है तो आइजनहाइम उसकी स्वर्ड को उल्टा यानी उसकी नोक पर खड़ा कर देता है और कहता है कि इसको सिर्फ वही उठा सकता है जो इसको डिजर्व करता हो। सब लोग उसे उठाने आते हैं लेकिन किसी से स्वर्ड उठाई नहीं जाती। फिर प्रिंस खुद भी आता है लेकिन वो भी उसे नहीं उठा पाता। फिर आइजनहाइम अपना मैजिक खत्म कर देता है जिसके बाद प्रिंस उसे उठा लेता है। लेकिन इस बात से प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्डर देता है कि आइंदा के बाद ये कोई भी शो ना कर पाए। रात को प्रिंसेस सोफी और आइजनहाइम फिर मिलते हैं। सोफी बताती है कि कुछ ही दिन में मेरी क्राउन प्रिंस के साथ एंगेजमेंट है, मैं बहुत सैड हूँ। तो आइजनहाइम कहता है मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके जा सकता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, इससे हम दोनों की जान को खतरा है। अब प्रिंस को फिर से इनके मिलने की खबर होती है तो वो सोफी को बुलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फिर से आइजनहाइम से मिलकर आई हो। तो सोफी कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम बचपन में साथ हुआ करती थी। और जहाँ तक बात है तुम्हारे सवाल की तो तुम्हें कोई हक नहीं क्योंकि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ।
और ना तुम इस काबिल हो प्रिंस, जिस पर प्रिंस उसे थप्पड़ मारता है। सोफी वहाँ से भाग जाती है लेकिन प्रिंस फिर भी उसका पीछा करने लगता है। वो नशे में होता है और जैसे ही सोफी के पास पहुँचता है तो वो उसको अपनी तलवार से वार करके मार ही डालता है। उसकी डेड बॉडी अपने घोड़े पर होती है और ये सारा सीन वहाँ के कुछ लोगों ने देख लिया था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले ही दिन आइजनहाइम को सोफी की डेड बॉडी नदी के किनारे पर मिलती है। वो बहुत रोता है क्योंकि जिसे उसने बचपन से चाहा आज वो हमेशा के लिए चली गई। अब सोफी की बॉडी को चेक करते हुए वक्त डॉक्टर को एक जेम मिलता है जो वो इंस्पेक्टर को दिखाता है। तो इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये जेम तो प्रिंस से बिलोंग करता है, यानी ये प्रिंस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल रात ये प्रिंस के साथ थी और प्रिंस ने ही इसे मारा है। उसे आइजनहाइम भी बताता है कि सोफी को मारने वाला प्रिंस ही है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर इस बात को छुपाता है और प्रिंस की जान बचाने के लिए वो किसी और पर इल्जाम लगा देता है। ये चीज आइजनहाइम को बहुत बुरी लगती है और वो अपनी पुरानी जगह छोड़कर एक नया थिएटर खरीद लेता है जहाँ वो काला जादू करके दिखाने लगता है, जैसे सोल्स को बुलाना और उनसे बात करना। वो लोगों में बहुत फेमस होने लगता है जिस बात पर प्रिंस जेलस होने लगता है और एक बार फिर उसके शो को बंद करने के लिए लोग भेजता है कि वो ये बताएं कि आइजनहाइम प्रोजेक्टर का यूज करके सोल्स बुलाता है, लेकिन वो लोग कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि प्रोजेक्टर वाली इमेज ब्लर होती है, जबकि आइजनहाइम के सोल्स बिल्कुल असली दिखती हैं क्योंकि वो थी भी असली। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर खुद भी देखने आता है और वाकई जज नहीं कर पाता कि आइजनहाइम ऐसे कैसे कर लेता है, तो वो उसे अरेस्ट कर लेता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब बाहर आइजनहाइम के फैंस आ जाते हैं और ऊंची ऊंची बोलते हैं कि इंस्पेक्टर अगर आपने आइजनहाइम को ना छोड़ा तो हम इस बिल्डिंग पर अटैक कर देंगे। तो इंस्पेक्टर आइजनहाइम को बोलता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। अब आइजनहाइम उनके ऊपर से जाके कहता है, यहाँ से जाओ, मेरा मैजिक झूठा था, मैं सिर्फ इल्यूशंस क्रिएट करता था। ये कह के वो खुद भी यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आइजनहाइम अपना मैजिक शो दोबारा से शुरू करता है और अब की बार वो जिसकी सोल को बुलाता है वो होती है सोफी। ऑडियंस सोफी की सोल को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें किसने मारा था? उसी शो में प्रिंस भी अपना रूप बदल कर आया होता है ताकि आइजनहाइम पर नजर रख सके और देख सके कि आखिर अपना मैजिक करता कैसे है। तो प्रिंसेस सोफी बोलने लगती है कि जिसने मुझे मारा वो आप लोगों में ही मौजूद है। तो ये सुनकर प्रिंस घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी शो के बाद इंस्पेक्टर आइजनहाइम से दोबारा मिलता है और उससे कहता है कि इसके बाद तुम कोई शो नहीं करोगे, क्योंकि उसे डर था कि आइजनहाइम ने दोबारा शो किया तो वो सोफी का जरूर बुलाएगा और कहीं ऐसा न हो कि सोफी प्रिंस का नाम ले दे और प्रिंस पकड़ा जाए। लेकिन आइजनहाइम कहता है कि नहीं, मैं अपना शो कभी बंद नहीं करूंगा, बल्कि मेरा अगला शो मेरे इस वाले शो से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आइजनहाइम उसे कहता है, जो मर्सी करो। ये कह के वो अपने शो की अगली तैयारी में लग जाता है। अब आइजनहाइम अपने शो का सारा कंट्रोल अपने मैनेजर को दे देता है, इवन वो शो और थिएटर भी उसके नाम कर देता है। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए मैनेजर भी उसको डिफेंड कर सके। रात को शो शुरू होता है, वहाँ पर इंस्पेक्टर भी अपने लोगों के साथ पहले ही पहुंच चुका होता है ताकि वो मैजिशियन यानी आइजनहाइम को अरेस्ट कर सके। आइजनहाइम सोफी की सोल को दोबारा से बुलाता है और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। सोफी आइजनहाइम से कहती है कि याद है जो लॉकेट तुमने मुझे दिया था, वो मैं अपने गले में ही पहना करती थी, लेकिन देखो मेरे मर्डर के बाद वो लॉकेट मेरे गले में नहीं है। इंस्पेक्टर फौरन से स्टेज पर आइजनहाइम को अरेस्ट करने आता है कि कहीं उस प्रिंस का राज सामने ना आ जाए, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है तो आइजनहाइम खुद भी सोल बनकर गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर आइजनहाइम के घर पे जाता है लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं दिखता। तभी उसे एक जेमस्टोन मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये प्रिंस की स्वॉर्ड पर लगा हुआ था और ये वही जगह पर होती है जहाँ पर सोफी का मर्डर हुआ था। यहाँ पर इंस्पेक्टर को भी कंफर्म हो जाता है कि ये काम क्राउन प्रिंस का ही है। साथ ही साथ इंस्पेक्टर को ये भी पता चलता है कि प्रिंस किसी के साथ सिंसियर नहीं, आज वो इसके साथ इसलिए है ताकि इसको यूज करके इस किंगडम पर कब्जा कर सके और इवन वो अपने फादर यानी यहाँ के किंग यानी राजा को मारना चाहता है। तो इंस्पेक्टर राजा को खत लिखता है और उसमें सब कुछ बता देता है कि क्राउन प्रिंस ने कैसे सोफी का भी मर्डर किया और वो आपको भी मारना चाहता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कब्जा करने के लिए। अब यहाँ से इंस्पेक्टर सीधा प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मकार नेचर के बारे में पता चल चुका है और मैं ये बात सबको बताऊंगा कि तुम कैसे इंसान हो। तो प्रिंस उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है, हाँ बता सकते हो तुम। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि किंग ने भेजे होते हैं, जिसे देख के क्राउन प्रिंस डर जाता
जाता है क्योंकि वो इतने सारे सोल्जर्स के सामने कुछ भी ना कर पाता। शायद यहाँ पर उसे गिल्ट भी होता है कि उसने अपनी मंगेतर का यानी फियांसे का कत्ल कर दिया। साथ ही साथ वो अपने बाप को भी मारना चाहता था, लेकिन अब उसका राज सबके सामने आ चुका था और उसकी काफी इंसल्ट होने वाली थी। अगर वो बच भी जाता तो उसे किंगडम ना मिलता। तो यहाँ पर वो खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद इंस्पेक्टर को जॉब से निकाल दिया जाता है। जो कोट उसने पहना होता है उसमें सोफी का लॉकेट भी था, लेकिन जब वो अपने कोट की जेब के अंदर हाथ डालता है तो उसे वो लॉकेट नहीं मिलता। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आइजनहाइम तेजी तेजी से कहीं जा रहा होता है और उसने अपना रूप बदला होता है। वो उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते वो लोग एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ आइजनहाइम फौरन से ट्रेन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर को सब कुछ समझ आ जाता है, ये लॉकेट आइजनहाइम ने ही लिया है ताकि ये वो सोफी को दे सके। और यहाँ पर हमें पूरा प्लॉट पता चलता है कि असल में इस मूवी में हुआ क्या। इनफैक्ट आइजनहाइम और प्रिंसेस सोफी एक साथ रहना चाहते थे, तो ये उनका प्लान था कि वो ये प्रिटेंड करेंगे कि सोफी मारी गई और उसे प्रिंस ने ही मारा। इनफैक्ट आइजनहाइम ने प्रिंस को कोई ड्रिंक दी थी जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। तो वो क्या कर रहा है, तभी हमें दिखाया गया कि वो उस वक्त नशे में था। वो सोफी के पीछे गया तो जरूर था, लेकिन उसने सोफी को मारा नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि सबको ये क्यों लगा कि सोफी मर चुकी है, क्योंकि उसे सांस भी तो नहीं आ रहा था। तो आइजनहाइम ने उसे भी कोई ड्रिंक पिलाई थी जिससे उसका सांस कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन दिल धड़क रहा था। उसके बाद आइजनहाइम ने उसे दोबारा से वो ड्रिंक दी जिससे उसका सांस वापिस आने लगा और वो कहीं दूर चली गई ताकि सबको यही लगे कि वो मारी गई है। ये डॉक्टर भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था जिसने इंस्पेक्टर को कहा कि प्रिंस ने ही इसे मारा है क्योंकि इसका जेम इसकी बॉडी से मिला है। और सबको यही लगने लग गया था कि वाकई प्रिंस ही कातिल है, और प्रिंस को भी इस रात का कुछ याद नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नशे में था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर की आंखों के सामने जब आइजनहाइम ट्रेन में बैठकर जाता है तो इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है कि कैसे वो इन सब के सामने पागल बन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम आइजनहाइम को देखते हैं जो कि दूर पहाड़ों में जाकर उतरता है और वहाँ पर सोफी पहले से उसका वेट कर रही होती है। तो आइजनहाइम उसे वो लॉकेट देता है जो कि उसने इंस्पेक्टर की पॉकेट से निकाला था, और यहाँ पर दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है।